ये क्या होता है? लो। अरे गिनी, तुझे नहीं पता माता का जगराता है घर में। ओए तेरा ध्यान कहाँ रहता है पुत्र? आपने ध्रुव को देखा क्या? नहीं, हमने तो नहीं देखा। हम तो ये प्रसाद के पैकेट बना रहे हैं। ठीक तो है ना पुत्र? परेशान सी क्यों लग रही है तू? हाँ मामी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। फनी। चोरी की आम, अमरूद या लड्डू, कुछ भी खा लो, टेस्ट सेम ही होता है। हाँ लेकिन पकड़े जाओ ना तो पिटाई भी बहुत कमाल की होती है। सही कहा, सही ना। डिम्पी और ध्रुव साथ साथ लगते भी बहुत अच्छे हैं। गिनी, क्या हुआ दी? धीरे बोल। ध्रुव ने ना बेबी से छुपा कर ये लड्डू लाए, बहुत टेस्टी है, खाना। क्या कर रहा है तू ध्रुव? एक लड्डू दो ना प्लीज। बिल्कुल, कितना खाएगा? इतनी मेहनत से तो डब्बा चुरा के लाया, इतना हक तो बनता है। हेलो एक्सक्यूज मी, ये भरा हुआ डब्बा ना मैं लेकर आई हूँ, और जो तू लाया ना वो खाली है, बिल्कुल तेरे दिमाग की तरह। तुझे ना मैं एक भी लड्डू नहीं दूंगी। हाँ यानी तू अगर चाहती है ना तो तू खा सकती है। ये क्या खाएगी? इसको तो खुद आपकी तरह मीठा खाना पसंद नहीं है। ये हेट स्वीट, इसका लड्डू है ना जो हिस्से का वो मेरे को दो, मैं खा लूं। किन्नी क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? हाँ दी, मैं ठीक हूँ। वो आपको इतने दिनों बाद खुल के हंसता हुआ देखा तो बस खुशी से मन भर आया। किन्नी, तुम दोनों की वजह से ही तो मेरी सारी खुशियां वापस लौटी है। तुम दोनों ने वापस पूरे परिवार को एक कर दिया और परिवार की सारी खुशियां लौटा दी है। अरे अरे, मेरी तरफ भी कोई देखो यार, मेरी आंखों में भी आंसू है, मुझे भी रोना आ रहा है। अच्छा? हाँ सच्ची में। चल नौटंकी, ये देख ना, ये आंसू टपकेगा अभी, ये लेफ्ट आंख में। हाँ ये रखा टपका, अभी ये गिरा 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 गिरा, ये भी टपका। अंकल जी ने जो सोचा है उस बारे में अगर पापा को बता दिया तो? नहीं, उससे पहले ही मुझे अपने और ध्रुव के प्यार के बारे में पापा जी को बता देना चाहिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। सुनिए जी, ये जगराते वास्ते ऐसा सूट चंगा है ना जी? जब मन खुश हो ना तब सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। पम्मी जी, शुक्र है माता रानी का कि मुझे सद्बुद्धि दे दी, नहीं तो मैं अपनी डिम्पी को कभी ऐसा खुश नहीं देख पाता। ठीक कह रहे हो जी, आज इन्ना दिना बाद हमने वापस डिम्पू और गिन्नू के चेहरे पर फिर से वही मुस्कुराहट देखी पहली जैसी। जी माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया, एकदम चंगा। सब कुछ ठीक करने के पीछे ध्रुव का बहुत बड़ा हाथ है पम्मी जी। वो बच्चा सबकी नजरों में बुरा बना,
लेकिन इस घर का भला करने वास्ते। सच कह रहे हो जी तुसी, वो सबका ख्याल रखता है, वो है अपने डिंपू पुत्र को तो सिर्फ वही हंसा सकता है। मैं तो ना जी बस माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि उसके साथ जिंदगी में भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो और इसको इतनी अच्छी लड़की मिले जो उसका पूरा ख्याल रखे। है ना?